अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ फरहाना यूसुफ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ फ्रॉम पॉल्स कैम्ब्रिज अलायंस। टुडे आई एम गोना प्रेजेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। सिंस 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड डाइवर्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू पुल द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ। One of the important policy under this economic reform were the new industrial policy of 1991. This policy was created by Dr. Manmohan Singh under the recommendations of Chandrasekhar and P.V. Narasimha Rao. Here the question arises, why do we need economic reforms? So यहाँ पर एक question arise होता है कि हमें economic reforms की ज़रूरत क्यों है। पहले अगर हम देखेंगे April 1, 1951 में जब पहला economic planning लिया गया था, 5-year plan जो होते हैं, पहला जब लिया गया था, तब क्या किया गया था कि गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करना था। लेकिन उसका जो पैटर्न था वो था सोशलिस्टिक पैटर्न। उसकी वजह से क्या हुआ, हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई, हाँ ग्रोथ हुई यहाँ पे, लेकिन उसमें से कुछ फेलियर्स रहे। जैसे ये पहला, प्राइवेट सेक्टर जो था उसको कंट्रोल कर रहा था गवर्नमेंट। दूसरा क्या था कि जो गवर्नमेंट था वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा था इन इंडस्ट्रीज़ पर। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। जैसे हम देखेंगे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी जो प्रोग्रेशन थी वो लो रही थी, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड ही चला जा रहा था। दूसरा क्या था कि जो हमारे प्राइसेस थे वो स्काइरॉकेटिंग हो रहे थे, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। इन चीज़ों को इराडिकेट करने के लिए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए। अब हम देखेंगे इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फीचर्स क्या है। पहला है लिबरलाइजेशन, सेकंड वन इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड देन ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर लिबरलाइजेशन। सो सिंपली द वर्ड लिबरल मीन्स टू फ्रीडम, बट हियर व्हाट डज लिबरलाइजेशन मीन्स। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स टू फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब सिंपली यह है कि जो कंट्रोल गवर्नमेंट कर रहे हमारे इकोनॉमी को, चाहे डायरेक्टली वो हमें यहाँ पे कंट्रोल करें, उसे हमें ख़त्म करना है। अगर हम 1991 की से पहले जो बात करेंगे, हम अगर देखेंगे 1956 में जो पॉलिसी ली गई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें क्या किया गया था, लाइसेंस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया गया था, यानी कि मार्केट में आने के लिए हमें लाइसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। दूसरा क्या था, जो हमारा प्राइस कंट्रोल हो रहा था इन सेक्टर्स में वो भी कौन कर रहा था, गवर्नमेंट। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, लिबरलाइजेशन लाया गया, यानी कि उनको फ्री करना था इन रेस्ट्रिक्शन से। तो इसके जो पहले मेजर्स हम देखेंगे क्या क्या है। पहला है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। मैंने पहले ही बोला कि 1956 में लाइसेंस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट किया गया था, तो यहाँ पे क्या किया गया, उसका अबॉलिशन किया गया। अब मार्केट में आने के लिए हमें लाइसेंस सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा क्या था, अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, या जिसे हम MRTP एक्ट भी कहते थे। अंडर दिस एक्ट क्या था कि अगर कोई सेक्टर था, अगर उसके पास एसेट्स 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो उससे ज़्यादा फिर ज़्यादा कमाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कंसिडर किया जाता था MRTP फर्म्स। तो उनके बाद उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, जिसकी वजह से वो फिर ज़्यादा एसेट्स नहीं क्रिएट कर पाते थे। इसके बदले क्या फिर किया गया, इसके बदले लाया गया था फिर कॉम्पिटेटिव एक्ट 2002 में, जिसमें ये कहा गया था कि जिसको जितनी कमाई करनी है वो कर सकता है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now the another topic is privatization. It means allowing the private sector to set up more and more of such industries as were previously reserved for the public sector. तो privatization का मतलब क्या था कि जो हमारा private sector है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा allow करें नए industries को set up करने के लिए, जो पहले under थी public sector के। अगर हम देखेंगे पहले क्या थी, initially 17 industries were under public sector, but presently only 2। पहले क्या था कि जो 17 industries थी वो थी under पब्लिक सेक्टर, लेकिन आज क्या है, सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ है अंडर पब्लिक सेक्टर, वो है एटॉमिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज़ रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें नीड क्यों पड़ी प्राइवेटाइजेशन की। पहला है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था वो ज़्यादा से बढ़ नहीं पा रहा था, उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट इनएफिशिएंट था इसको अच्छे से वर्क कराने में। दूसरा क्या है, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक सेक्टर वाय रनिंग इंटू लॉसेज। जो मोस्ट एंटरप्राइजेस है वो क्या चाह रहे थे, वो लॉसेज में जा रहे थे, क्योंकि जो उनमें मैनेजर्स थे वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनको ये राइट नहीं था कि वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले। उनको जो डिसीजन लेने थे वो
लेते थे वो मिनिस्टर्स के अंडर, लेकिन जो मिनिस्टर्स थे वो ज़्यादा कंसर्न थे अपने पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से डिसीजंस में डिले होता था। अब यहाँ पे मेजर्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, पहला ही है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था उसकी कॉन्ट्रैक्शन की गई, यानी कि उसे कम किया गया था। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है पब्लिक सेक्टर्स को, इस उम्मीद से कि वो हमारी कैपिटल को एक्यूमलेट करें, यानी कि वो हमारी कैपिटल को बढ़ाएंगे। और दूसरा क्या है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ग्रो करेंगे और हमारी पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे। लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ नहीं किया गया था, इसलिए क्या कहा गया कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं उनको कम किया जाए और उनको अंडर प्राइवेट में डाला जाए। इससे क्या हुआ कि हमारी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और अब लास्ट वाला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सिंपली मीन्स इंटरग्रेटिंग द इकनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि अपनी कंट्री की इकनॉमी को दूसरी कंट्री की इकनॉमी से लिंक करना। इससे क्या होगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी होगी या कैपिटल वहाँ की होगी वो हमारे कंट्री में आएगी, उससे हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या था, मेन कंपोनेंट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के, पहला है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इक्विटी सिंपली मीन्स शेयर, जो फॉरेनर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे उसकी इक्विटी को हमें इंक्रीज करना था। पहले क्या था, इक्विटी लिमिट जो था पहले 40% था और फिर उसको रेज किया गया 50%, और कुछ सेक्टर्स में क्या किया गया कि 100% इक्विटी दी गई। पर यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि अगर 100% इक्विटी दी गई तो क्या फ़ायदा आता हमें, जब फॉरेनर्स यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करते तो उनको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जो था वो जनरेट हो गया। और जहाँ यहाँ पे उनको लैंड की भी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो जिसका लैंड था उसको रेंट भी मिलता, उसकी वजह से भी हमारा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बढ़ गई। और रिडक्शन इन टैरिफ्स, अगर हमें ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी होगी तो हमें अपने इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे जो टैरिफ्स सिंपली मीन्स टैक्सेस, उनको हमें कम करना है ताकि ग्लोबलाइजेशन बढ़े। तो अगर अब लास्ट में हमारा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि क्या फ़ायदा आया हमें इस लिबरलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से और ग्लोबलाइजेशन से। पहला ही वाइब्रेंट इकनॉमी, अगर हम देखेंगे कि जो इंडिया की इकनॉमी है वो वाइब्रेंट इकनॉमी बन गई, यानी कि इसमें अच्छा खासा चेंज आ गई इसमें और ये अच्छी तरीके से बढ़ गया है। और क्या था, अगर हम देखेंगे लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर हम ग्रोथ रेट देखेंगे जीडीपी की, तो वो एस्टिमेट की जाती है कि उसमें जो इंक्रीज हुआ है मोर देन 9%। दूसरा क्या है, चेक ऑन इन्फ्लेशन। जैसे ही लिबरलाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई, इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में गुड्स और सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी। जैसे हमें पता है अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहती, तो उसकी वजह से प्राइस भी फॉल होता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रह गई। और लास्ट पॉइंट, ड्रिफ्ट फ्रॉम मोनोपोलास्टिक मार्केट टू कॉम्पिटेटिव मार्केट। पहले अगर हम देखेंगे 1991 से पहले यहाँ पे क्या था, सिर्फ मोनोपोलास्टिक मार्केट थे, यानी कि कोई एक ही, खाली एक ओनर किसी चीज़ को ओन करता था। अगर हम एसीज़ की बात करें, रेफ्रिजरेटर्स की बात करें, तो खाली एक ही ओनर होता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कॉम्पिटेटिव मार्केट आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्केट में आने लगे एक ही चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब एंड में अगर हम देखेंगे तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने यहाँ पे बहुत सारी चेंज लाई। सोशल वेलफेयर जो था लोगों का, उसकी लेवल भी चेंज की और जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी इंक्रीज किया। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।